जयवर्धन सिंह मध्य प्रदेश की सियासत का वो नाम है जो कि कमलनाथ सरकार में सबसे युवा और कम उम्र के मंत्री के तौर पर पहचाना जाता है। जयवर्धन सिंह की एक और पहचान है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह के बेटे हैं और राघवगढ़ रियासत के बाबा साहब हैं। जयवर्धन सिंह ने बहुत कम समय में सफलता का बड़ा मुकाम हासिल किया है। कम उम्र में वे राघवगढ़ से विधायक बने और कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे अहम नगरीय प्रशासन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। एक साल में मंत्री जयवर्धन ने कई बड़े फैसले लिए। इंदौर भोपाल में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत करना हो या फिर युवा स्वाभिमान योजना के तहत कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना हो। जयवर्धन सिंह ने एक साल के कार्यकाल में 83 वचन पूरे किए। युवा स्वाभिमान योजना के तहत 30,000 युवाओं की ट्रेनिंग भी चालू कर दी गई। अवैध कॉलोनियों को लेकर इंदौर में काम किया। 1995 में बने भोपाल के मास्टर प्लान का रिव्यू कर नया मास्टर प्लान बनाया। महाकाल मंदिर के कायाकल्प के लिए 300 करोड़ की योजना बनाकर काम शुरू किया। वहीं इंदौर के सफाई मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू कर बड़े शहरों को धूल मुक्त बनाने का काम शुरू करवाया। जयवर्धन सिंह के कामों के पीछे और उनकी सफलता के पीछे दिग्विजय सिंह के सियासी अनुभव का भी बड़ा हाथ है। जी हां, अपने पिता के अनुभवों की मदद लेते हुए जयवर्धन सिंह ने प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अधिकृत की गई किसानों की हजारों एकड़ जमीन वापस करने का फैसला भी लिया। वहीं प्रदेश के बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी थी। कुल मिलाकर मंत्री जयवर्धन सिंह ने एक साल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।